अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कुहर अली है और आज मैं गोल्डा मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद पर मौजूद हूँ और आप लोगों के लिए नई वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करके फिर आल का बटन प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, तो आज मैं गोल्डा मोड़ अंडरपास पर मौजूद हूँ और जो सर्विस रोड है अंडरपास के साथ, तो लेफ्ट साइड पर जब आप भिंडी की तरफ जाते हैं तो लेफ्ट साइड पर जो बाहर सर्विस रोड है उस पर अस्फाल्ट का काम हो रहा है तो उसकी वीडियो बना रहा हूँ। ये आपके सामने है, बहुत सारा अस्फाल्ट का काम हो चुका है। ये अगर आप देख लें तो ये आगे से, यानी जब आप जमीन बेकरी की तरफ से आते हैं तो लेफ्ट साइड पर जो है ये अस्फाल्ट का काम हो चुका है और आगे हो रहा है। आगे जा आगे आपको दिखा रहा हूँ जो पेवर मशीन लगी है। और ये अगर आप देख लें तो अस्फाल्ट की जो अस्फाल्ट का काम हो चुका है उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये रूलर ले स्टील रूलर, तो इस पर जो है ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। आगे आपको जो पेवर मशीन है जिस पर अस्फाल्ट का काम चल रहा है वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये अस्फाल्ट का काम हो रहा है। लेबर अगर आज लगे हैं और अस्फाल्ट वाले वाले वाली जो टीम है वो लगी है काम कर रहे हैं। तो ये आपको दिखाते हैं सामने, ये जो है प्योर मशीन है और आगे उसके सामने जो अस्फाल्ट की गाड़ियां हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। ये तो काम शुरू है बहुत तेज़ी से। ये जो सर्विस रोड है इस पर जो वेयरिंग कोर्स का काम था, जो 5 सेंटी वेयरिंग कोर्स था उसका काम बाकी था, तो ये वही काम हो रहा है। तो ये आपको दिखाते हैं और काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। बाकी जो अंडरपास के अंदर जो ट्रैफिक है वो तो स्टार्ट है, तो अभी जो बाहर वाली जो सर्विस रोड है उसका काम अभी कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये भी तकरीबन चंद दिनों में, बस 3-4 या 5 दिनों में जितना भी लगता है ये ख़त्म हो जाएगा ये अस्फाल्ट का काम। बाकी जो I-14 की तरफ डबल रोड है उसका काम भी चल रहा है, तो ये आप देख सकते हैं। ये आपको दिखाते हैं तो काम बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। आगे तक गाड़ियां खड़ी है और ये पेवर मशीन है, तो ये आप देख सकते हैं काम हो रहा है। ये आगे तक आपको दिखाते हैं, बाकी जो आगे काम हो चुका है वो बहुत ज़्यादा ऐसा अस्फाल्ट का हो चुका है। फिर जमीन देखने की तरह से जब आते हैं तो ये पूरा काम हो चुका है, तो ये आप देख सकते हैं पूरा काम जो है अभी ये इन्होंने लपेट में लिया है और आगे यानी गोल्डा मोड़ की तरफ ब्रिज की तरफ आगे लेके जा रहे हैं। तो ये इस तरीके से ही है कि मैंने पहले भी वीडियो में एक दिन इनको बताया था कि सबसे पहले अंडरपास का जो 8 मिनट काम है उसको ख़त्म करें, उस पर ट्रैफिक चालू करें तो आप लोगों के लिए इसमें सेफ्टी होगी। अभी जो अंडरपास के अंदर गाड़ियाँ जाती हैं तो वो गाड़ियाँ बस अपनी तरफ जाती है और इधर जो काम है कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो ये अगर आप देख सकते तो आप अभी ये कर रहे हैं, ना कोई डिस्टर्बेंस है ना लोगों को तकलीफ है, बल्कि अंडरपास के अंदर से होके गाड़ियाँ आती जाती है और कुछ जो गाड़ियों के रास्ता गाड़ी के रास्ता छोड़ा है सर्विस पर उधर से भी जा रही है और कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है। तो काम भी हो रहा है और गाड़ियाँ भी चलती है, तो ये बहुत तरीके से काम हो रहा है अच्छे तरीके से। तो ये आप देख सकते हैं ये रूलर जो है इंग्लिश से कंडीशन कर रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं। तो आगे भी आपको दिखाते हैं ये मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, तो अगर आप देख लें ये पूरा एरिया इन्होंने अस्फाल्ट का किया है और इसके ऊपर जो PTR मशीनें हैं और जो रूल स्पीड रूलर है वो कंपेक्शन के लिए अभी इस पर घुमाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं बहुत तरीके से अच्छे तरीके से काम हो रहा है और ये बिल्कुल फिनिशिंग है अस्फाल्ट की, फिनिशिंग यानी वेयरिंग फोर्स जो 5 सेंटी अस्फाल्ट बाकी अस्फाल्ट का काम, तो वही काम अभी जो है इन्होंने शुरू किया है सर्विस रोड पर, यही भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये और साथ साथ जो है लोअर का पुल का काम था वो भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह जो यशोदा की तरफ डबल रोड है जब वो रेडी हो जाए तो इंशाल्लाह ब्रिज के ऊपर जो इशारे लगा के वो भी स्टार्ट हो जाए। तो ये काम है और ये अस्फाल्ट अगर आप देख लें तो बहुत
तेजी से ये स्टील रूल है अगर आप देख लें ये वाला और वो वाला फिट यार है जो जिसके टायर है, तो इस तरीके से ये कंप्लीशन करते हैं। तो सबसे पहले इसके ऊपर जो है स्टील का जो रूलर है वो घुमाते हैं, तो उसके बाद जो है इसके ऊपर फिट यार यानी जो टायर वाली मशीन है वो घुमाते हैं, तो इस तरीके से कंप्लीशन का काम हो जाता है। तो ये आगे आपको दिखाते हुए ये पूरा काम हो रहा है। तो काम जो है ये स्पार्ट का बाकी का, तो ये बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। और आगे जो गाड़ियां हैं स्पार्ट की वो भी निजी हो गई और उनके साथ का जो प्योर मशीन है वो स्टार्ट हो गई, और आगे जो स्पार्ट की गाड़ी है वो भी जो है उसके करीब आ रही है, तो वो आपको दिखाते हैं। और ये अगर आप देख ले तो ये इसके अंदर माल मौजूद है जो प्योर मशीन है, और ये आगे ऐसा ऐसा से अस्फाल्ट करके नीचे डाल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं आराम आराम से वो मशीन आगे जा रही है और बहुत सही तरीके से अस्फाल्ट का काम हो रहा है। ये आगे जाके और अभी जो सक्सेसफुल है जो डंपर है वो अभी वो गिराएगा जो प्योर मशीन के अंदर स्पार्ट, तो वो भी आपको दिखाते हैं। वो सही तरीके से काम हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये नजदीक से दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं काम हो रहा है बहुत तरीके से। और खुशखबरी की बात है कि भाई ये पूरा काम हो रहा है, तो बाकी काम था ये आप देख सकते हैं जा रहे हैं स्पार्ट कंप्यूटर मशीन के अंदर। और इधर से अगर आप देखें तो ये आगे मशीन है जो जा रही है, और इधर स्पार्ट का काम करता है, ये आप देख सकते हैं आप। वो भी आराम आराम से अस्पताल गिरा रहे हैं फिर मशीन के अंदर साथ साथ वो आगे आकर कर रहे हैं। तो फिर बाकी आते हैं I-14 I-15 और I-16 की तरफ, स्टेट की तरफ से बच्चे की तरफ, तो अंडर पास की वजह से और बात के ऊपर जो ब्रिज बनने की वजह से और अंडर पास को खोलने की वजह से और I-14 की तरफ जो डबल रोड बन रही है उसकी वजह से और रिक्वायरमेंट में इजाफा हुआ है, रेट बढ़ गया है। मैंने तो जब पहले अंडर पास बनता था तो मैं आपको बता रहा कि 60 लाख तक आपको I-15 में फ्लैट मिलेगा, लेकिन अभी रेट ऊपर है। अभी जो आपको फ्लैट मिलेगा I-15 या I-16 में 25 लाख से लेकर 80 लाख या 85 और 90 तक 90 लाख तक आपको फ्लैट मिलेगा। अभी रेट इंक्रीज हो चुका है और सेल परचेज में जो है तेजी आई है, लोगों की रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ गई, इस वजह से रेट ऊपर जा रहा है। बाकी लोकेशन के हिसाब से बेहतरीन सेक्टर से तीनों सेक्टर I-14, I-15 और I-16 और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी ठीक है, घर बनाने के लिहाज से भी ठीक है, रिटर्न के लिहाज से भी ठीक है। तो अगर आप लोगों ने हमारे थ्रू इन्वेस्टमेंट करनी है तो मेरा जो मोबाइल नंबर है 9292 3349459009, ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर व्हाट्सएप भी है, इस पर आप लोग डायरेक्ट भी कॉल कर सकें, व्हाट्सएप पर भी कॉल कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैंने बना ली, बाकी आखिर में मैं आप लोगों को दोबारा ये रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को लाजम सब्सक्राइब करें और साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप में टिकटॉक ग्रुपों में शेयर करें ताकि किसी का फायदा हो जाए और भी सब्सक्राइब करें। तो
और आप लोगों को हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, इस वजह से सब्सक्राइब करें तो आप लोगों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो इसके साथ मैं आप लोगों से जा चाहता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।